हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम कैबेज की सब्ज़ी बनाएंगे। ये सब्ज़ी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और रोज़मर्रा की मिलने वाली मसालों से। तो देखते रहिए, आपको ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने एक बंद गोभी ले लिया है, इसका हम बस आधा ही यूज़ करेंगे। तो देखिए, ऊपर के पत्ते थोड़े ख़राब हैं, इसलिए ऊपर के पत्ते हम हटा देंगे। अब हम इसे हाफ में काटेंगे। इसके बाद हम इसे धो लेंगे, क्योंकि बाद में धोएंगे तो इसका सारा न्यूट्रिशन निकल जाएगा, इसलिए इसको पहले ही हम धो लेंगे। अब इसे काटने की बारी है, तो इसे पहले हम लेंथवाइज काटेंगे। और देखिए, बीच में जो हार्ड स्टेम है इसे हम काट कर अलग कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही हार्ड होता है और ये बॉयल नहीं होती है। अब इस कैबेज को हम क्यूब्स में काटेंगे। तो कैबेज को काट कर तैयार कर लिया है मैंने, अब हम इसे एक बोल में रख लेंगे। अब चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने अपना प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में ही हम इस सब्जी को पकाएंगे। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। साथ ही साथ इसमें 2 चुटकी हींग डालेंगे। हींग को तेल में ही डालिए तो सब्ज़ी में हींग की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब बारी है प्याज की, तो इसमें 1 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे और प्याज को हल्का सा ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। तो देखिए, प्याज में एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका रॉ स्मेल चला ना जाए। अदरक लहसुन पक चुकी है, अब हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐसे चॉप करके डालेंगे और 8 से 10 कड़ी पत्ता तोड़कर तेल में डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा हिलाते हुए पका लेते हैं। अब बारी है टमाटर की, तो 1 बड़े साइज के टमाटर को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे और टमाटर को गलने तक पका लेंगे। टमाटर डालते ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। टमाटर देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है, तो अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच,
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। लाल मिर्च को आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी मसालों को मिला लेंगे और कुछ देर तक मसालों को इसी तरह से पका लेंगे। मसाला पक चुकी है, अब हम इसमें एक मीडियम साइज के आलू को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। आलू को मसालों में मिला देंगे और 2 मिनट तक मसालों के साथ फ्राई करेंगे। इस वक्त हमें आंच को लो पर रखना है। आलू के साथ साथ आप इसमें आधा कप हरा मटर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। आलू थोड़ा भून चुका है, अब हम इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे। कैबेज को मसालों के साथ मिला देंगे। और अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी स्वादानुसार और 2 मिनट तक इसी तरह से भून लूंगी ताकि कैबेज अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो कैबेज को भून लिया है मैंने, तो इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे और एक बार फिर से स्टर कर देंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और बस 1 सीटी आने तक पका लेंगे। एक सीटी आ चुकी है तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने का इंतजार करेंगे। ठंडा होने पर प्रेशर कुकर को हम खोलेंगे। देखिए सब्जी पक चुकी है। एक आलू को चेक करेंगे, आलू भी बॉईल हो चुकी है। पत्ता गोभी भी पक चुकी है और देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा एक कलर आया है सब्जी में। अंत में आधा छोटा चम्मच होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला में मैंने छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी को पाउडर बनाकर डाला है। साथ ही साथ हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सब्जी में मिला देंगे। तो सब्जी बिल्कुल तैयार है। इस सब्जी को रोटी, चपाती, चावल, पराठा सबके साथ खाने में अच्छी लगती है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।